हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे पाव ब्रेड। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कप गरम दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी, एक चम्मच ड्राई ईस्ट। डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम लेंगे एक कप मैदा, आधी छोटी चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद आटा में जो हम रखे हैं ईस्ट और चीनी डाल करके दूध, इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आटा आपका सूखा लगे तो 1-2 चम्मच दूध आप डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच दूध और डालेंगे। उसके बाद हम आटा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच बटर लेंगे। बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आटा के साथ बटर को मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटा होने के बाद ये देखिए जो मैदा है वो अच्छे से फूल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल लेकर के अच्छे से फैला देंगे और इसे हम रख करके इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद हम इसमें छोटा छोटा पीस कर लेंगे। और इस तरह से हम एक छोटा सा लोई लेंगे। इस तरह से लोई लेने के बाद हम यहाँ पर एयर फ्राई में रख देंगे। तो एक बार में हम 4 पाव ब्रेड रख देंगे। रखने के बाद हम इसमें ऊपर से हल्का तेल घर लगा देंगे। अच्छे से तेल लगाने के बाद हम इसे एयर फ्राई में 180 डिग्री के टेम्परेचर पर 11 मिनट के लिए रख देंगे। 11 मिनट होने के बाद ये देखिए पाव ब्रेड जो है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, घर में बना ब्रेड पाव का रेसिपी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।